मैना दीदी मैना दीदी कहाँ हथिन ये मैना दीदी तो खेत में छे पाइप कला पसारे छे दीदी धान में पानी पटावे ला फीता पसारे छे आए दीदी पैसा फेंक कला पानी पटवा छे वर्षा तो होबे करते रहे ऐसे उपज बढ़े छे समझलो हो ठीक है दीदी हुनका से जाकर हम पूछे छे आयो मैना दीदी कहाँ आती है यो हम घर पर से खोजते खोजते खेत में आ लिया खेत में की कर छे वीडियो ना देखे के हवे वीडियो के तो देखे के है ते ना हाँ तो तने धान देख लग छे तो वीडियो देखवे धान तो बहुत अच्छा लगा ये आहा बहुत मेहनत आर कली रह की की कनिया की बिया सवाल करे छे तू हाँ इतना सुंदर मेहनत कैले छियै वीडियो देख लिए हने तो धान उपचार क के बीज गिरा लिए बीज गिरा के रोप लिए हाँ दुगो कमाई निकालिए हाँ मेहनत इतने कैले छे तो अच्छा धान होता है ना लगा है दीदी ई बार कमाईनी भी बढ़िया से कलिए हाँ समय पर एक हम कमाईनी नहीं करब खर पतवार रह जता तो फसल भी अच्छा नहीं होता आ समय पर कमाईनी कर दिलिए हाँ तब उपजा भी ज्यादा होता फसल भी बढ़िया होता कमाईनी कले तो एको गो ना जंगल झाड़ हबे लगाय छे इस बार उपज बढ़िया होते दीदी धान बहुत सुंदर होले नहीं नहीं अखनी एक बहुत जरूरी काम बचले है कौन काम बाकी छे दीदी दुधिया अवस्था में दूध भरे लाय ताले पानी के धान में बहुत जरूरी है बाल निकलने में 10 से 15 दिन समय लगाय छे दूध भराय में 8 दिन से 10 दिन में ई दूध भरा जाय छे वह दूध धीरे धीरे दाना बन जाय छे अच्छा दुधिया अवस्था में नमी पर खेत में ध्यान रखना चाहिए स्थिति में अगर बारिश न हो तो मशीन से पटवन कर धान के खेत में नमी रहे के चाहिए अच्छा दुधिया अवस्था तक धान खेत में पानी नहीं रहे पर 40 से 50% उपज कम जाए छे खेत में पानी रहे छे ना तो अपना पौधा जरूरत के हिसाब से घिचैत रहे छे वह दूध धीरे धीरे दाना बन जाए छे वैसे खखरी नहीं होई छे समझला हा ना आ समझ गेलिए दीदी गांधी कीड़ा के नाम जानला हो हाँ धान के दुधिया अवस्था में गांधी कीड़ा के आवे के बहुत संभावना हो जाए छे वह कीड़ा धान के दूध के चूसना शुरू कर दे वह वजह से धान के खखरी बहुत हो जाए पानी इसके पौधा में दूध भरत रहे यह लेल खेत में पानी रहे से जरूरी है दाना के पुष्ट होय से धान के उपज बढ़ जाए ई बहुत फायदे के बात बतलिए है यह लाल नूतन दीदी पाइप पसारत रखी अब तू सही समझ गेल है हम तो सिंचाई के बारे में सीखिए गेलिए है अगर है अहो आर सीख गेलिए हो फिर से अहाँ आर के हम दोनों आदमी मिलकर जरूरी बात है से बता दे दुधिया अवस्था में धान के खेत में नमी रहे के चाहिए वर्षा न होते दीदी तो बोर्डिंग से पानी पटाना खेत में जरूरी है